राज, कहां पे जंप करना है तुम्हें? रात में ऋषिकेश की रौनक बिल्कुल अलग हो जाती है। कुछ अलग सी एनर्जी आ चुकी है उसके अंदर। हाय, वेलकम बैक टू सेवी डायरी। सो आज का ब्लॉग है रेस्टोरेंट, स्ट्रीट्स एंड आश्रम विच वी विजिटेड इन ऋषिकेश। वी वर इन ऋषिकेश फॉर 4 days एंड वी स्टेड एट लेमन ट्री प्रीमियर। तो हमारे दिन की शुरुआत होटल के रेस्टोरेंट से होती थी। वी यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट हियर। लेमन ट्री बिल्कुल गंगा जी के घाट पर है। तो हमने यहाँ से रिवर क्रॉसिंग किया था। वी डिड मिनी राफ्टिंग हियर। आपको ऋषिकेश घूमना है तो प्रेफर करिए आप इन ऑटोज में घूमिए। ये थोड़ा ऑटो से बड़े होते हैं, इनको विक्रम बोलते हैं। एंड यस, विल टेक यू अराउंड ऋषिकेश एवरीवेयर। और सबसे पहले हम लोग गए थे त्रिवेणी घाट फॉर द गंगा आरती। सो आई मेड अ सेपरेट ब्लॉग फॉर दैट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। हमने डिनर किया था राजस्थानी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनली राजस्थानी फूड मिलेगा। एंड आई रिकमेंड दैट रेस्टोरेंट। के बाद हम लोग नेक्स्ट डे गए थे परमार्थ निकेतन आश्रम में आरती के लिए। वहाँ की जो गलियाँ हैं वो उधर आपको ये रामफल मिलेंगे। सीताफल तो हमने लिया है, रामफल एट फर्स्ट टाइम पूरा ही खा जाते हैं। परमार्थ आश्रम में गंगा आरती के बाद हम लोग यहीं पास में चोटी वाला रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए हैं। यहाँ पर दो चोटी वाला रेस्टोरेंट्स हैं ऑफ टू ब्रदर्स। सो समवन हैज सजेस्टेड अस टू गो टू द सेकेंड वन, सो वी आर गोइंग देयर। जंप करना है तुम्हें? डिनर करने के बाद में राम झूला, मैंने आपको बताया राम झूला के पास में चोटी वाला। सो दिस इज द व्यू ऑफ राम झूला जो आप देखते हो उसको लाइट्स में। ऋषिकेश में 3 झूले हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला। लक्ष्मण झूला इज द ओल्डेस्ट। और हम लोग परमार्थ आश्रम से आ रहे हैं। परमार्थ आश्रम राम झूला और जानकी झूला के बीच में है।
या रामझूला में टू व्हीलर्स अलाउड हैं, बट देर इज नो डिविजन। जब हम लोग जानकी खुला से आए थे वहाँ पर प्रॉपर डिविजन था पेडेस्ट्रियन के लिए और टू व्हीलर्स के लिए। तो रात में ऋषिकेश की रौनक बिल्कुल अलग हो जाती है। थर्ड नाइट फिर हमने फिर से राजस्थानी ही रेस्टोरेंट में आके डिनर किया है। आई टोल्ड यू कि मुझे राजस्थानी फूड ट्रेडिशनल फूड यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू गेट सीट हियर, तो आपको वेट करना पड़ेगा, काफ़ी वेटिंग होती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हॉटस्पॉट दिख रहा है, बट फूड इज़ रियली अमेजिंग। हमारा ऋषिकेश में आने का पर्पस था विराट का मुंडन कराना, तो आज हमने विराट का मुंडन कराया है परमार्थ आश्रम में। मुंडन कराने के बाद में देयर इज दिस रेस्टोरेंट इटालियन फूड आपको यहाँ पे मिलेगा एंड यू कैन सी गंगा राइट फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो ये बहुत अच्छा है। वी हैड कॉफी हियर एंड वी हैड पिज़्ज़ा हियर। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। इट्स अ क्वालिटी कैफ़े एंड आई हाईली रिकमेंड दिस कैफ़े। ये रामझूला और परमार्थ निकेतन आश्रम के बीच में है। Now we'll come back again in the evening for Ganga Aarti at Parmarth Niketan. राज मुंडन कराने के बाद में या इवनिंग की गंगा आरती अटेंड करने के बाद में परमार्थ निकेतन आश्रम में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, कुछ अलग सी एनर्जी आ चुकी है उसके अंदर। हमने ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर आरती अटेंड की है, परमार्थ आश्रम में दो दिन आरती अटेंड की है और फिर एक दिन हमने अपने होटल की आरती अटेंड की है। तो आपको यहाँ पर इवनिंग में सभी जगह आप इस तरह की आरती होते हुए दिखाई देंगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप त्रिवेणी घाट की और परमार्थ निकेतन आश्रम की आरती ज़रूर अटेंड करिए, और आपके होटल में अगर आपके आस पास कहीं आरती हो रही है तो वो अटेंड करिए। So we are here for 2 days. If you have any questions about Rishikesh, you can ask us. We'll be happy to answer all your questions. Thank you. Oh.